हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। नमस्ते। नेचर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। अपने आज के इस वीडियो में मैं गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के स्तनों के कलर में परिवर्तन आ जाता है, उनके स्तनों में दर्द होता है, ये सब क्यों होता है, किस हद तक ये नॉर्मल होता है, इसी की जानकारी देने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रही हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे का जो लाल बटन है उसे दबाकर आप मेरे नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे भी दबा दीजिए, इससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्भावस्था के समय महिलाओं के शरीर में हार्मोन परिवर्तन की वजह से बहुत से बदलाव आते हैं। उनके पेट और उनके स्तन का साइज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उनमें खुजराहट होती है, दर्द महसूस होता है। गर्भावस्था के समय में महिलाओं के स्तन का कलर बदल जाता है, यानी थोड़ा डार्क हो जाता है, और जो एलोरा का भाग होता है वो ब्लैक हो जाता है, और जो निप्पल होते हैं वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं और ब्लैक हो जाते हैं। ये सब नॉर्मल होता है, ये हार्मोन के परिवर्तन होने की वजह से होता है। उनके स्तन के अंदर की जो ग्रंथियां होती हैं, यानी कि मिल्क ग्लैंड होते हैं, दूध की जो ग्रंथियां होती हैं, वो धीरे धीरे सक्रिय होने लगती हैं। डिलीवरी के पश्चात उनमें दूध उतरने का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है तीसरे चौथे महीने से। इसलिए कलर का परिवर्तन और जो स्तनों में दर्द होता है ये होता है, ये नॉर्मल होता है। जिनकी पहली डिलीवरी होती है उन्हें इन बातों की जानकारी नहीं होती है, तो वे अक्सर इन बातों से घबरा जाती हैं। तो आप इसके विषय में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कुछ लोगों को ये गर्भावस्था के चौथे सप्ताह, कुछ लोगों को पाँचवें, छठे, सातवें या आठवें सप्ताह तक ये होना शुरू हो जाता है। पर ऐसा नहीं कि हर स्त्री के साथ ऐसा होता हो, किसी किसी को ऐसे परिवर्तन नहीं भी होते हैं, तो आपको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, चौथे महीने से आपको थोड़ा हल्का दूध जैसा या फिर पीला द्रव्य जैसा निकलना शुरू हो जाता है, किसी किसी को ये भी नहीं होता है। वहाँ से सफ़ेद के लिए, यानी कि जिस स्तन का निप्पल होता है उसमें जो छिद्र होता है वहाँ पर हल्के हल्के सफ़ेद कीले जैसी रहती हैं, थोड़ी हार्ड रहती हैं, जैसे कि मुहासे होते हैं। इसके विषय मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट करके उसे देख सकती हैं। उसे आपको हल्के कॉटन के कपड़े को गर्म पानी में भिगो करके हल्का साफ कर देना है। ये साफ कर देने से निप्पल में जो छिद्र होते हैं वो पूरी तरह से खुल जाते हैं, और डिलीवरी के पश्चात में दूध उतरने में आसानी होती है, यानी कि आसानी से बच्चे को दूध मिल जाता है। नहीं तो फिर डिलीवरी के पश्चात किसी किसी को दूध आने में जब समस्या होती है तो नर्स जो होती है वो दबा करके स्किल को निकालती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा होता हो, किसी किसी के स्तन में इस तरह की कीलें नहीं भी होती हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कलर होता है वो परिवर्तन हो जाता है। स्तन के नीचे की जो हड्डियाँ होती हैं उनमें भी दर्द होता है और स्तनों में भी दर्द होता है। इसकी वजह है स्तन के अंदर जो दूध बनने की प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है, वहाँ की जो नसें होती हैं वो खुलने लगती हैं, हार्मोन तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर के अनुसार कभी कभी स्तनों में दर्द हार्ट बर्न यानी कि एसिड रिफ्लेक्स की वजह से भी होता है, जैसे कि अपच कहते हैं। तो इसके विषय में आपको इतना ही कहूँगी कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पानी पीजिए और हल्का भोजन करिए, जो स्पाइसी यानी तीखा होता है, या फिर बाहर का जो भोजन होता है उसे जहाँ तक हो सके आप मत खाइए, जिससे कि आपको इस तरह की अपच या एसिड होने की समस्या न हो। गर्भावस्था के समय गर्भाशय का साइज बढ़ने की वजह से जो पाचन प्रणाली होती है उस पर असर पड़ता है, उस पर दबाव पड़ता है। इसकी वजह से जो कुछ भी खाते हैं उससे पचाने में आसानी नहीं होती है, इसकी वजह से भी पेट या स्तनों में दर्द होता है। तो इसके विषय में भी आप टेंशन मत लीजिए, जहाँ तक हो सके आप लिक्विड ज़्यादा लीजिए। ऐसे समय में गर्भवती स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वो कभी कभी ड्राई हो जाते हैं, इसकी वजह से उसमें खुजलाहट होती है, स्क्रैच मार्क्स आ जाते हैं। तो इसके लिए सावधानी के तौर पर आपको अगर डॉक्टर ने कोई क्रीम दी हुई है कि आपको स्क्रैच मार्क्स ना आने पाए तो आप उसे इस्तेमाल करिए। अगर डॉक्टर से आपने क्रीम नहीं ली है तो आप उनसे ज़रूर सजेस्ट कर लीजिए। और इसके अलावा आप नारियल का तेल जो होता है उसे हल्का गुनगुना करके अपने स्तन पर मालिश कर सकती हैं, जिससे कि आपको खुजलाहट नहीं महसूस होगी और जो स्क्रैच मार्क्स आते हैं उसमें भी आपको काफ़ी राहत होती है। इसके अलावा जो एलोवेरा होता है उसे भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको फ्रेश मिले, आपके घर पर है, तो ही इस्तेमाल करिए। बाहर की चीज़ें इस समय इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि बाहर की चीज़ों में कहीं ना कहीं केमिकल ज़रूर मिक्स होता है, तो ये चीज़ें आपके स्तन में बनने वाले दूध के ऊपर भी असर कर सकती हैं।
आजकल ऐसे बहुत से केस आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सावधान कर दे रही हूँ कि ऐसे किसी भी बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल करने से आप बचिए। बगैर डॉक्टर की सलाह के आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ इस्तेमाल मत करिए। अगर आपको दर्द महसूस होता है तो आप हल्की कॉटन के ब्रा पहनिए, जो कि एकदम सॉफ्ट हो, एकदम नरम हो। रात के समय में भी आप ध्यान रखिए कि आप जो कॉटन की ब्रा पहनती हैं वो ज़्यादा टाइट ना हो, आपको फिटिंग का हो, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। गर्भावस्था के समय स्तन के कलर परिवर्तन के अलावा जो एलोरा का भाग होता है वहाँ पर आपको हल्का हल्का डॉट जैसा दिखाई देगा, यानी कि छोटे छोटे बम्प्स जैसे दिखाई देंगे, वो दूध के ग्लैंड होते हैं। जब बच्चा सक करना शुरू कर देता है, यानी डिलीवरी के पश्चात जब बच्चा दूध पीना शुरू करता है, तो उसे इसी जगह पर दबाना होता है और यहीं से दूध निकलता है। बच्चे को सिर्फ निप्पल नहीं पकड़ाना होता है, पूरा एलोरा का भाग पकड़ाना होता है। कुछ महिलाएं ऐसे शिकायत करती हैं कि मेरे निप्पल छोटे हैं। दरअसल शादी से पहले हर लड़की के निप्पल छोटे होते हैं, शादी के बाद किसी हद तक ये निप्पल जो होता है वो बन जाता है, किसी किसी का नहीं बना होता है। वो डिलीवरी के पश्चात बच्चे को जब पूरा एलोरा का भाग पकड़ाया जाता है, तो जब बच्चा चूसना शुरू करता है तो स्तन का जो निप्पल होता है वो अपने आप बन जाता है, नहीं बनता है। तो इसके विषय मैंने 3 वीडियो दिया हुआ है, एक नेचुरल तरीके से निप्पल किस तरह से बनाया जाता है, एक सीरीज यानी इंजेक्शन के जरिए किस तरह से निप्पल में उभार लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको निप्पल में तभी भी उभार नहीं आया है तो आपको निप्पल सीड किस तरह से यूज करना है, उसका मेजरमेंट किस तरह से आपको लेना है, इसके विषय मैंने 3-4 वीडियो दिया हुआ है। स्तनपान मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट करके उसे देख सकती हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिस समय आप बच्चे को स्तनपान कराती हैं उस समय आपको अपने स्तन को अच्छी तरह से कॉटन के कपड़े से पोंछ लेना है, क्योंकि कुछ महिलाओं ने मुझे ऐसी शिकायत की है कि उनके स्तन में फोड़ी आ जाती है, स्तन का जो छिद्र होता है वहाँ पर फोड़ी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको अपने इस वीडियो में इसका जवाब दे रही हूँ कि आपको अपने स्तन को, बच्चे को स्तनपान कराने के बाद हमेशा कॉटन के कपड़े को भिगो करके अच्छी तरह से साफ कर लेना है, पोंछ लेना है, और उसके बाद में आपके घर में अगर देसी घी है तो उसे लगा लेना है। जब बच्चे को आप दोबारा स्तनपान कराती हैं तो फिर से आप अपने स्तन को पोंछ करके उस घी को साफ कर लीजिए और तब आप स्तनपान कराइए। और कुछ महिलाओं की ऐसी भी शिकायत है कि जब वो गर्भवती होती हैं तो उनके स्तन पर सफ़ेद पपड़ी जैसा हो जाता है। ये सब आपको कॉटन के हल्के कपड़े को भिगो करके अच्छी तरह से थोड़ा हल्का साफ कर देना है, और वहाँ पर आपको देसी घी या नारियल का तेल लगा लेना है। ये सब सुस्की यानी कि स्किन ड्राई होने की वजह से होता है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सावधानी बरतनी है। नारियल का तेल नहीं तो फिर देसी घी इस्तेमाल करिए, सबसे अच्छा देसी घी होता है। मैं अपनी तरफ से आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप देसी घी का इस्तेमाल करिए। बच्चे को स्तनपान कराने के बाद जब आप अपने स्तन को साफ करती जाएंगी तो वहाँ पर किसी तरह की गंदगी न होने की वजह से आपको जो फोड़ी आ जा रही है ऐसी समस्या नहीं होगी। बच्चा जब स्तनपान करता है तो उसके मुंह में पूरा दूध रहता है, और जब बच्चा स्तनपान करना छोड़ देता है, आप उसे नहीं साफ करती, दूध आपके स्तन पर लगा रह जाता है, तो दूध में अक्सर बैक्टीरिया जरूर हो जाता है। आप कितना भी ढक करके रखेंगी फिर भी वहाँ पर गंदगी तो हो जाएगी, तो इसकी वजह से कभी कभी इस तरह की समस्याएँ आती हैं। तो आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। गर्भावस्था के समय में स्तनों का कलर चेंज होता है, एलोरा के भाग पर हल्के हल्के डॉट जैसे होते हैं, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, निप्पल का कलर चेंज हो जाता है, स्तन हार्ड हो जाता है, स्तन में खुजली होती है, स्तन में दर्द होता है, ये सब नॉर्मल होता है। किसी हद तक स्तन के नीचे की जो हड्डियाँ होती हैं वहाँ पर भी दर्द होता है, ये सब एसिड रिफ्लेक्स की वजह से होता है। आप ज़्यादातर पानी पीजिए, अपने स्तन को साफ रखिए, कॉटन की हल्की ब्रा पहनिए और हल्का भोजन करिए जो स्पाइसी यानी तीखा होता है। बाहर का जो भोजन होता है उसे जहाँ तक हो सके मत खाइए, जिससे कि आपको इस तरह की अपच या एसिड होने की समस्या न हो। आसानी से हजम होने वाला प्रोटीन युक्त भोजन लीजिए, ड्राई फ्रूट लीजिए, फल लीजिए, जूस लीजिए, घर का बना हुआ खाना खाइए, सुबह सुबह टहलिए। और अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो महिलाएं पहली बार गर्भवती होती हैं उन्हें इस तरह की जानकारी हो जाए और वो आगे चल करके ऐसी किसी भी तरह की समस्या से बच सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।